ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया और वो फ्यूचर लॉयर बनने जा रहे हैं, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी प्रेजेंटली लॉ में हैं, वो चाहे 5 ईयर्स है या किसी यूनिवर्सिटी का 3 ईयर्स है या फिर एक्सटर्नल लॉ है, किसी भी लॉ प्रोग्राम में वो मौजूद हैं और वो अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। अब आप तमाम स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, वो तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपके तमाम उन क्वेश्चंस का आंसर्स किए जाएंगे जो आपके दिल में है, या आप पूछने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को विजिट करते हैं और आपको कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप पूछते भी नहीं है और आपके नॉलेज में भी वो चीज़ें नहीं होती और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो तमाम चीज़ों का पता चलेगा आपको आज इस वीडियो में। हम बात करने जा रहे हैं आज लॉ गैट की, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट की, जो LLB डिग्री हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स लेते हैं। मैं हूं समर खिलाफ रंजा, आप देख रहे हैं लर्न विद सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट फ्यूचर अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो। हायर एजुकेशन कमीशन ने लॉ गैट की डेट अनाउंस कर दी है। सबसे पहले तो हम इंट्रो देते हैं कि लॉ गैट क्या होता है, ये कौन सा स्टूडेंट्स लेते हैं। ये एक टेस्ट है वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने LLB की डिग्री कंप्लीट कर ली है, वो चाहे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर PBC से हो, पाकिस्तान बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, या कोई इदारा हो जिससे आपने लॉ की डिग्री हासिल की है। उस डिग्री के बाद आपने जो एक असेसमेंट टेस्ट देना है ताकि इस टेस्ट के बाद आपको एवेल्युएट करके आपको लाइसेंस दिया जा सके। बेशतर तुलबा को इस टेस्ट के मकसद के नहीं पता कि इदारे ये टेस्ट क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी मेन रीजंस क्या है। उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से ये टेस्ट आज कंडक्ट हो रहा है। पहले नंबर पे एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स जो है थिंकिंग स्टूडेंट्स की है, उसको परखने के लिए, उसको जानने के लिए ये टेस्ट रखा गया है। लॉ स्टूडेंट्स का लीगल नॉलेज जानने के लिए, परखने के लिए ये टेस्ट रखा गया है, और स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, एस्पिरेंट्स का एप्टीट्यूड चेक करने के लिए ये टेस्ट। ये 4 मेन रीजंस हैं जिस वजह से HEC या पाकिस्तान बार काउंसिल ये टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। अब आपको काम करना है इन 4 मेन पॉइंट्स पे, और साथ ही साथ सिर्फ लॉ नॉलेज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग को भी फोकस किया जाता है इस टेस्ट में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट ने लॉ नॉलेज तो लिया है, क्या ये उस लॉ नॉलेज को एवेल्युएट करके क्रिटिकली इसका आंसर कर सकता है या नहीं कर सकता। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा इस टेस्ट का जो आपको नहीं पता होगा। टेस्ट टाइप में ये टेस्ट MCQ बेस्ड टेस्ट होता है और ये 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें पासिंग रेशो 50 मार्क्स मिनिमम रखे गए हैं। 100 में से अगर कोई कैंडिडेट 50 नंबर लेता है तो उसको पास तसव्वुर किया जाएगा। इस टेस्ट का सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मुहैया कर दिया गया, आप उस लिंक को क्लिक करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे इस टेस्ट का सिलेबस मौजूद होगा। अगर मैं यहाँ उसका जिक्र करूँ तो उसमें क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, कानून शहादत, ऑर्डिनेंस, ये इस तरह के इंस्टीट्यूशनल लॉ वगैरह, ये इसके मेन सब्जेक्ट्स हैं। इस टेस्ट की कमेंसमेंट डेट 25 जून है, 25/6/2023 इसकी कमेंसमेंट डेट है, यानी कि 25 जून को ये टेस्ट होगा और इसके जो मुख्तलिफ सेंटर्स, अलोकेटेड सेंटर्स हैं, उन तमाम सेंटर में इस टेस्ट को लिया जाएगा। टेस्ट से एक हफ्ता पहले तक तमाम कैंडिडेट्स की, जिनका जिनकी एप्लीकेशन HEC को रिसीव हुई होगी, उन तमाम कैंडिडेट्स की रोल नंबर स्लिप्स टेस्ट से एक हफ्ता पहले तक उनको जारी कर दी जाएंगी। उसकी इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलेगी कि उनका उनकी रोल नंबर स्लिप आ गया है, या उनका टेस्ट कब हो रहा है, कौन से सेंटर पे हो रहा है, इसके लिए 2 सोर्सेज हैं। एक तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे HEC मैसेज करेगी, या फिर उनका ईमेल एड्रेस है जो उन्होंने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया होगा, उस ईमेल एड्रेस पे उन तमाम कैंडिडेट्स को उनके सेंटर्स, उनके टेस्ट टाइम और उनकी सेंटर एलोकेशन, या टेस्ट डेट चेंजिंग, या कोई भी फर्दर इसमें चेंजिंग्स आएंगी तो उससे उनको वहाँ पर इतला दी जाएगी। इट इज़ एडवाइज कि आप टेस्ट से एक हफ्ता पहले, जो आपको 25 जून की टेस्ट डेट दी गई उससे एक हफ्ता पहले, लाजमी तौर पर अपना इनबॉक्स चेक करें या अपना मेल बॉक्स चेक करें, ताकि आपको अगर HEC की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट मेल आई है, या टेस्ट डिले होता है, या कोई और ऐसी चेंजिंग है, तो आपको पता चल सके। टेस्ट सेंटर पर एंट्री के लिए जब आपको टेस्ट की मेल आ जाती है, आपका टेस्ट 25 जून को होने जा रहा है, तो आपने किन डॉक्यूमेंट के तहत आपने जाना है और आपको सेंटर में एंट्री मिलेगी, वो 3 बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले आपकी रोल नंबर स्लिप है जो HEC ने आपको जारी की होगी सारे प्रोसेस के बाद, उस रोल नंबर स्लिप को आप साथ ले जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपका CNIC, ओरिजिनल CNIC मौजूद होना जरूरी है। अगर आपके पास ओरिजिनल CNIC नहीं है तो आप अपने CNIC की कॉपी ले जा सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे जाके आपसे वो एफिडेविट साइन कराएंगे, या इस तरह का कोई प्रोसीजर करा के आपको टेस्ट में बैठना अलाउ करेंगे। तीसरे नंबर पर वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने ड्यूरिंग प्रोसेस आपने फी पे करनी है, उस फी का वो चलान है, वो आपने साथ लेके जाना है। जो स्टूडेंट कॉपी आपके पास मौजूद होगी वो कॉपी आप लेके जाएंगे, ताकि उस तीनों डॉक्यूमेंट को
प्रोसीड करते हुए देखते हुए आपको आपकी शिनाख्त की जाए और आपको मुतलका सेंटर के ऊपर अलाउ किया जाए ताकि आप पेपर दे सकें। जैसे कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल कंडक्ट कराती है, HEC इसको लेती है, एक सोर्स है, HEC इसको कंडक्ट करती है, और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान एक ऐसा असेसमेंट टेस्ट है जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होता है, ये प्रोविंशियल नहीं, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान ये टेस्ट लिया जाता है और इसके सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में सेंटर्स हैं और वो टोटल 13 सेंटर्स हैं। उन सेंटर्स में बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, क्वेटा, सक्कर, पिशावर, गिलगित, हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा शामिल हैं। कोई भी कैंडिडेट इन 13 सेंटर्स में से किसी भी सेंटर को ड्यूरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हुए किसी भी सेंटर को चूज कर सकता है और उसका टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट होगा। किस कंडीशन के तहत उस सेंटर में, उस सिटी में वो टेस्ट कंडक्ट होगा उसकी मैं आपको वजाहत करता हूँ। अगर तो उस सेंटर के लिए 250 कैंडिडेट 250 कैंडिडेट्स हुए जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने फी सबमिट कराई है और उनकी एप्लीकेशन भी रिसीव हो गई है, उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 250 कैंडिडेट अगर किसी सेंटर के लिए मौजूद होंगे तो उस सेंटर पे टेस्ट लिया जाएगा। अगर इस 250 कैंडिडेट से कम कैंडिडेट्स होंगे तो सेंटर पे टेस्ट नहीं लिया जाएगा, उन कैंडिडेट्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा उनके नियर बाय सिटी में, जो कि उनके कोई भी करीब कोई सेंटर मौजूद होगा तो उन तमाम कैंडिडेट्स को उस सेंटर के ऊपर भेज दिया जाएगा पेपर के लिए। और इसकी सारी इतलात जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ आपको उस पेपर से एक हफ्ता पहले रोल नंबर स्लिप के जरिए और आपके मेल एड्रेस और आपके SMS सोर्स के जरिए आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिए कि आप टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करते हुए बड़ी एहतियात और प्रेस के साथ उस सेंटर को चूज कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट सेंटर जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने etc.hec.gov.pk वेबसाइट पे जाना है, इससे आपको एक फॉर्म मिलेगा, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। उस फॉर्म से आपने प्रोसेस इनिशिएट करना है। अगर आपको अप्लाई करते हुए किसी भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो ऑनलाइन hec.gov.pk वेबसाइट पे जाके आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके सिटी में जो या कोई रीजनल ऑफिस HEC का मौजूद है वहां पे इन पर्सन पर्सनली आप विजिट करके आप इस अपनी परेशानी का अजाला करवा सकते हैं। आपका ऑनलाइन प्रोसेस दो मरहल पे मुश्तमिल होगा। पहला मरहला कि आपने अपनी सबसे पहले ऑनलाइन प्रोफाइल जनरेट करनी है जिसमें आपकी फ़ोटो, आपके नाम, आपकी बेसिक क्रेडेंशियल्स जो होंगे वो आपने वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीशन के बाद लॉ असेसमेंट टेस्ट के लिए आपको लेफ्ट साइड पे ऑनलाइन अप्लाई करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ऑनलाइन पोर्टल मौजूद होगा, उस पर क्लिक करके फिर आपने अपनी डिग्री की डिटेल्स और फर्दर जो टेस्ट के रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आपने वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिए कि वो तमाम स्टूडेंट को टेस्ट के लिए एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा जिनकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अनकंप्लीट एप्लीकेशन या जिनका कोई भी एरर, कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है और उसको कंप्लीट नहीं करते, उन कैंडिडेट्स की रोल नंबर स्लिप्स जारी नहीं की जाएंगी। इस टेस्ट के लिए 3000 एग्जामिनेशन फी रखी गई है जो कि नॉट रिफंडेबल है, जो कि HBL के अकाउंट में हमें जमा करानी है, HEC के अकाउंट में, जो कि अकाउंट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उससे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगली एक अहम बात जिससे लॉ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इस अकाउंट का, इस बैंक का हमें चलान कहाँ से मिलेगा, क्या हमने फी जो है वो ओपन चलान पे सबमिट करानी है जो डिपॉजिट स्लिप होती है, या फिर इसका कोई स्पेसिफिक चलान होगा। तो इस फी को जमा कराने के लिए जब आप प्रोसेस कर रहे होंगे तो उसी पोर्टल के ऊपर आपकी एक फी स्लिप जनरेट होगी जिसका आपने प्रिंट आउट लेना है, और उस प्रिंट आउट से आपने जाके वो सेम प्रिंट से आपने बैंक में फी पे करनी है, और उसकी जो कॉपीज आपको दी जाएंगी उन कॉपीज को स्कैन करके आपने उसी पोर्टल के ऊपर वापस आके अपनी ID के तहत उस फी स्लिप को, उस फी चलान को आपने ऑनलाइन सबमिट कराना है। अगर आपने ऑनलाइन फी चलान सबमिट नहीं कराया, उसमें कोई एरर आया, ऑब्जेक्शन हुआ, तो लाजमी तौर पर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट कंसिडर नहीं की जाएगी, और ना ही कोई और ऐसा सोर्स मौजूद है कि आपने मैनुअल चलान फिल कर दिया है और आप वही आप वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं तो वो उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर आप मैनुअल चलान फिल करके आपने मिस्टेकनली कर दिया है और आप HEC को भेज रहे हैं या उसकी वजातें दे रहे हैं तो उसको वो कंसीडर नहीं करेंगे। वो उस चलान नंबर के तहत आपकी रोल नंबर स्लिप जारी करेंगे, जो चलान नंबर आपके उस फी चलान के ऊपर जारी होगा उसके तहत आपका सारा प्रोसीजर कंटिन्यू किया जाएगा। एक अहम चीज़ के इस टेस्ट की डेट, लास्ट डेट क्या है, 12 जून 2023 शाम 4 बजे तक आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो इसकी डेट एक्सटेंड हुई तो वो भी आपको पता चल जाएगी, अदरवाइज फिलहाल इसकी जो हतमी डेट है वो 12 जून 2023 शाम 4 बजे तक। अब हम उन तमाम ट्रिक्स और हैक्स की बात करते हैं जिससे स्टूडेंट्स पास कर सकते हैं। याद रखिए कि ये इस टेस्ट के लिए टोटल 5 चांसेस HEC और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से दिए गए स्टूडेंट्स के लिए।
फिलहाल कोई भी स्टूडेंट जब उसकी लॉ ग्रेजुएट हुआ है, उसकी डिग्री उसके पास मौजूद है, उसका पार्ट थ्री का रिजल्ट आ गया है, तो उसके बाद कोई भी अपकमिंग लॉ गेट होगा उस लॉ गेट को वो अप्लाई कर सकता है। और उसी दौरान के साथ आपका पार्ट थ्री क्लियर होने के बाद 6 महीने का उसने इंटीमेशन पीरियड कंप्लीट करना होता है एज ए अटॉर्नी, एज ए असिस्टेंट, एज ए प्रैक्टिस लॉयर, एज ए इंटर्नशिप। तो उसने वो 6 महीने का टाइम कंप्लीट करना होता है। उस 6 महीने के दौरान में जब भी लॉ गेट की अनाउंसमेंट होती है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है वो लॉ गेट देने का। इसकी टोटल 5 चांस है फिलहाल, इसकी कोई चांसेस फिलहाल एक्सीड नहीं हो रहे, पहले 3 थे फिर उसको 5 किया गया। और कोई भी स्टूडेंट जो है उसके लिए लाइफ टाइम चांसेस हैं, कोई ये नहीं है कि कंसेक्टिव उसने 5 चांसेस अटेम्प्ट करने। अगर उसने एक चांस मतलब अपनी डिग्री कंप्लीट होने के फौरन बाद लिया है तो ब्रेक भी ले सकता है, अलबत्ता इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा, जितनी देर वो इस टेस्ट को पास करने में करेगा, जितना टाइम वो लगाएगा उतनी उसकी एज बढ़ती जाएगी, और एज बढ़ने के साथ साथ उसकी लाइसेंस लेने के लिए जो उसकी मुतलका बार की फ़ी होगी, वो जिस बार में आपने आपको रजिस्टर्ड वोटर करवाना चाहता है उसकी वो एज वाइज फ़ी बढ़ती जाएगी, जो कि फिलहाल थाउजेंड्स में है, और फिर वो लैक्स में चली जाती है, लाखों में चली जाती है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है कि आप ये कंसेक्यूटिव चांस की जरूरी नहीं है कि आप एक दफा एक अटेम्प्ट लें और उसमें फिर ब्रेक भी ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी नहीं है, ये किसी वजह से आप अगली अटेम्प्ट नहीं दे सकते। लेकिन मेरी तरफ से आपको मशवरा यही है कि आप फर्स्ट टाइम में एक मेहनत के साथ, क्या फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं आप, नया नया वॉक किया होता है तो आपके पास फ्रेश नॉलेज होता है, तो उस चीज़ का फायदा उठाते हुए फर्स्टली आप एक थोड़े से हार्ड वर्क के साथ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और इस टेस्ट को पास कीजिए। जैसे कि मैंने पहले 4 कंडीशंस का जिक्र किया आप दोस्तों से, फ्यूचर लॉयर से, कि वो कौन सी चीज़ों के ऊपर HEC और पाकिस्तान बार काउंसिल फोकस करती है, वो आपको मैंने 4 चीज़ें बता दी, उन चीज़ों को देखना आपका काम है। ये टेस्ट इसके लिए एक मिथ है, एक हाइप क्रिएट की गई कि बहुत ज़्यादा टफ है, ना ही बहुत ज़्यादा टफ है और ना ही आसान है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है, लॉ बेस्ड नॉलेज को भी टेस्ट किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को भी देखा जाता है।